So now we move to the next question. This is question number 26 of set number 1, question number 27 of set number 2, and question number 28 of set number 3. The question says, a moving boat is observed from the top of a 150 meter high cliff moving away from the cliff. The angle of depression of the boat changes from 60 degree to 45 degree in 2 minutes. Find the speed of the boat in meter per minute. Okay, so यहाँ पे पहले तो figure बना लेते हैं. ये हो गया जो हमें given है that a moving boat कहाँ से देखी जा रही है, from a top of a 150 meter high cliff. तो ये हमने मान लिया 150 meter है, ठीक है. अब इसके top से observe करी जाएगी जो boat है, वो तो यहीं पे ही होगी. Let's suppose वो तो ground level पे ही होगी ना, इस तरह से. अब जो ऑब्जर्व कर रहा है उसने देखा कि एंगल 60 से 45 हुआ. अब ये इस तरह से बोट जा रही है, सो यहां से यहां उसने देखा होगा तो 60 होगा, आगे आ गया तो 45 हो गया होगा. तो आपको यहां से पता चल गया एंगल 60 और 45 डिग्री का होगा. एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ऊपर बनाओ, मेन तो हमें नीचे ही चाहिए होता तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते. तो यहां से ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है. और यहीं से उसने देखा कि बोट आगे चली गई और आगे जाने के बाद एंगल हो गया 45 डिग्री, ठीक है. अब उसने यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एंगल को चेंज होते हुए देखा और इन दोनों के बीच का टाइम हमें गिवन है कि 2 मिनट्स लगे. सो देयरफॉर यहां से यहां ट्रेवल करने में 2 मिनट लगे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे. ऑल्सो लेट्स नेम दिस फिगर ए बी सी डी, ठीक है. तो सी से डी पॉइंट तक आने में उसको 2 मिनट लगे. अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें इस बोट की स्पीड फाइंड करनी है. अब स्पीड फाइंड करने के लिए पहले तो मुझे इसका पूरा डिस्टेंस पता चलेगा. देखो यहां पे मेरे पास टाइम है लेकिन मेरे पास सी डी का डिस्टेंस नहीं है कि सी पॉइंट से डी पॉइंट तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट. सो एक तो ये हो गया, लेट सपोज बी सी को मैंने एक्स मान लिया और सी डी को मैंने वाई मान लिया. ओके, सो नाउ यहाँ पे आपको पता है जैसे कि यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें चाहिए. एक बेस है, परपेंडिकुलर है, तो टैन यूज करेंगे हम. सो सबसे पहले ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी. सो ट्राइंगल ए बी सी में टैन 60 डिग्री लगेगा. टैन 60 डिग्री क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी, राइट. ये याद है, ये हम करते ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए बी, सो ए बी अपॉन बेस क्या है बी सी, ठीक है. अब यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर लेते तो टैन 60 हमारा होता है रूट 3 इक्वल्स टू ए बी हमें गिवन है 150 अपॉन बी सी हमने लेट किया है एक्स, ठीक है. तो यहां से अगर हम एक्स की वैल्यू निकाले एक्स इधर चला जाएगा रूट 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 150 अपॉन रूट 3. एक्स इक्वल्स टू हो गया हमारा 150 अपॉन रूट 3. ओके, नेक्स्ट. अब ये तो हो गया इस वाले ट्रायंगल से, ऐसे ही हम ये पूरा ट्रायंगल ले लेंगे ए बी डी. सो सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी डी यहां पे हमारा टैन 45 डिग्री इक्वल होगा, अगेन वही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो परपेंडिकुलर है ए बी एंड अब बेस क्या हो जाएगा बी से लेके डी तक, मींस बी डी. आगे ले चलते हैं इसको, tan 45 हमारा 1 होता है, AB, AB हमें गिवन है 150 एंड BD, BD का क्या है B से लेके D तक x plus y, इतना x है इतना y है, तो ये हो जाएगा x plus y. सो देयरफॉर ऊपर भेज देंगे इसको तो ये हो गया x plus y equals to 150. यहां से y निकल जाएगा 150 minus x. अब x की वैल्यू हमें यहां पे मिली हुई है, इसको 1 नेम दे देते हैं. तो यहां पे x की वैल्यू पुट करते हैं y निकल जाएगा. सो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 150 माइनस x क्या है 150 अपॉन रूट 3, ठीक है. इसका एलसीएम लेंगे रूट 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 150 रूट 3 माइनस 150. सो यहां पे 150 कॉमन है, यहां बचेगा रूट 3 माइनस 1 एंड अपॉन में रूट 3, ठीक है. तो ये तो आ गया हमारे पास y की वैल्यू. इसी तरह से हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या अगर हम x की वैल्यू नहीं भी निकालते तो हमें तो स्पीड चाहिए. y का डिस्टेंस अगर हमने निकाली तो हम डायरेक्ट स्पीड निकाल सकते हैं. स्पीड क्या होगी,
स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट। डिस्टेंस अभी हमने फाइंड किया, वाई जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अभी हमने फाइंड किया है, दैट इज 150, देन रूट 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3, ठीक है। ये है हमारा डिस्टेंस, अपॉन में टाइम है, सो ये हो जाएगा अपॉन में 2, ओके। सो नाउ ये क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन की फ्रैक्शन है, तो ये अपॉन 1 मांग के इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा 150 अगेन रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, और ये इसका रेसिप्रोकल होके ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। 2 से 150 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 से 2 ये हो जाएगा 75, सो हमारे पास आ गया 75, दिस इज रूट 3 माइनस 1 एंड ये हमारा हो जाएगा अपॉन रूट 3। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, 75 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करो, 75 को 1 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 75 रूट 3 माइनस 75, ठीक है। 75 को रूट 3 से किया, 75 को 1 से किया, तो 75 रूट 3 माइनस 75 आ गया और अपॉन में रूट 3 है। अब ये रूट 3 इसके भी अपॉन में है और इसके भी अपॉन में है। अब इसको फर्दर करने के लिए मुझे रफ करना पड़ेगा बोर्ड, सो अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके अभी नोट डाउन कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। अब यहां पे हमारे पास है 75 रूट 3, इसके भी अपॉन में है ये रूट 3, माइनस 75 इसके भी अपॉन में है रूट 3, तो यहां तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गए, ये तो हो गया 75 माइनस 75 अपॉन रूट 3। आपको याद है छोटी क्लासेस में हम रैशनलाइज करते थे कि जब कहते थे अपॉन में हम रूट वाला नंबर नहीं छोड़ते, तो इस वाले पार्ट को हम रैशनलाइज कर देंगे, उसके लिए क्या कर देते, जैसे यहाँ अपॉन में रूट 3 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते थे हम रूट 3 अपॉन रूट 3 से, तो ये तो 75 एज इट इज रहेगा, माइनस ये हो जाएगा 75 रूट 3 अपॉन में रूट 3 इंटू रूट 3 करोगे तो 3 आ जाएगा, सो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 वन जो 3 अगेन, 3 टू जो 6, 15 बचा 5, सो ये आ गया 75 माइनस 25 रूट 3, ये होगी स्पीड, एंड सिंस सब कुछ मीटर और मिनट में ही है, सो ये हमारी स्पीड आ जाएगी 75 माइनस 25 रूट 3, ओके। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 26, ऑल्सो हमारे पास इसके साथ चॉइस में एक क्वेश्चन है, सो लेट्स कम टू दैट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे पास चॉइस में है, द क्वेश्चन सेज देयर आर टू पोल्स वन ईच ऑन ईदर बैंक ऑफ अ रिवर जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर, वन पोल इज 60 मीटर हाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द अदर पोल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर एंड हाइट ऑफ द अदर पोल। अब क्वेश्चन अगर नहीं समझ आया तो हम फिगर के साथ समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। दो पोल्स हैं जो कि ऑपोजिट साइड पे, एक रिवर है, लेट्स सपोज ये इतनी रिवर है, सो इसके ऑपोजिट साइड पे दो पोल है, ठीक है। एक पोल की हाइट हमें गिवन है, वन पोल इज 60 मीटर हाई, तो इसकी हाइट हमें गिवन है 60 मीटर, लेट्स सपोज इसको ए बी लिख दिया हमने, तो ये 60 मीटर हाई है। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोल द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन वर्ड से आपको पता चल जाएगा, इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दूसरे पोल में, मतलब दूसरा वाला पोल जो है वो इससे हाइट में छोटा होगा, तभी तो वहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन पा रहा है। सो इसके टॉप और फुट पे, जैसे यहां पे अगर कोई है तो सामने वाले के, मान लो सामने वाला इतना पोल है, तो इसके टॉप पे और इसके फुट पे, फुट कहां होगा इस तरह से, सो टॉप पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, ये हम एक लाइन इमेजिनरी ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये बन रहा है 30 डिग्री का एंगल और नीचे यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री का एंगल, ठीक है, समझ में आया इतना। नाउ फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर एंड हाइट ऑफ द अदर पोल, सो दूसरा पोल ये है, पहले तो इसको नेम देते हैं ए बी सी डी, सो इसकी आपको हाइट निकालनी है इस पोल की, सो इसकी हाइट हमने मान ली x है, ठीक है, और हमें रिवर की विड्थ निकालनी है, अब बी से लेके, क्योंकि दोनों पोल जो है वो एक पूरी रिवर के पार्ट है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली रिवर की विड्थ है, सो सी और बी, इसको हमने y मान लिया, सो हमें बी सी और सी डी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो देखो यहाँ पे एक चीज देखो, जब हम यहाँ पे एंगल बना रहे 30 डिग्री का, तो हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची,
अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, दैट मीन्स ये जो डीसी है ये इस ई बी इसके इक्वल होगा, करेक्ट होगा। ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा हमारा। ओके नाउ स्टार्ट करते हैं। अगेन देखो क्या दो चीजें हम यूज करेंगे, बेस चाहिए हमें, बेस और परपेंडिकुलर यूज करते हुए चलेंगे हम। तो दोनों में ही टैन लगेगा। सबसे पहले ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, बड़ा वाला ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, टैन 60 डिग्री। टैन 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन बी सी के। तो ये हो गया ए बी अपॉन बी सी, करेक्ट। टैन 60 डिग्री हमारे पास होता है √3 एंड ए बी, ए बी हमें गिवन है 60, तो 60 अपॉन बी सी हमें गिवन है y, ठीक है। यहां से हम निकाल सकते हैं y हमारा हो गया 60 अपॉन √3, डन, सिंपल है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं ए बी सी ट्रायंगल ले लिया, अब लेते हैं ट्रायंगल ए ई डी। सो इन ट्रायंगल ए ई डी यहां पे tan 30 डिग्री इक्वल होगा, tan 30 यहाँ पे क्या होगा, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए ई, सो ए ई अपॉन बेस क्या है ई डी, ठीक है। सो tan 30 हमारा होता है 1 अपॉन √3, दिस विल बी इक्वल टू ए ई। अब देखो ए ई क्या है, कितनी होगी, अगर ये एक्स है ये पूरा 60 है, तो ए से ई तक ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स, करेक्ट। सो ये हो गया हमारा ए ई 60 माइनस एक्स अपॉन में ई डी, ई से लेके डी तक का डिस्टेंस कितना होगा, जैसे ये एक्स इसके इक्वल है ये वाई भी यहां पे इक्वल होगा, तो ये हमारा वाई हो गया, सो अपॉन में वाई। अगेन यहां पे भी वाई लिख लेते हैं, वाई इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो वाई यहां पे मल्टीप्लाई होगा √3, यहां मल्टीप्लाई होगा 60 माइनस एक्स। ओके सो वाई की वैल्यू यहां पे भी आ गई हमारे पास, यहां पे भी आ गई। इसको फर्स्ट नाम दे दो और इसको सेकंड नाम दे दो, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों में वाई इक्वल है, तो आई कैन राइट कि ये जो √3 60 माइनस एक्स होगा ये इक्वल होगा 60 अपॉन √3 के। ओके √3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 × √3 3 हो गया, दिस इज 60 माइनस एक्स इक्वल्स टू 60, ठीक है। ये हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 3 18 180 हो गया, माइनस 3 × 2x 3x = 60। अब यहां पे चाहो तो 180 को उधर भेज दो, 60 माइनस 180 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 180 में से 60 माइनस करेंगे हम, ये तो हो जाएगा -3x एंड 8 - 6 = 2 और से आ जाएगा 120 एंड माइनस का आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल्स टू हो गया हमारा 120 अपॉन 3, कैंसिल करेंगे तो 40 आ जाएगा, सो देयरफॉर एक्स हमारा आ जाएगा 40, ठीक है। तो एक्स हमारा आ गया 40 डिग्री, नाउ डिग्री सॉरी नॉट नॉट डिग्री 40 मीटर्स। एक्स क्या था, पोल की हाइट, तो एक तो हमें एक्स मिल गया, पोल की हाइट निकालनी थी एक चीज हो गई, अब दूसरा हमें रिवर के बीच चाहिए, मतलब वाई निकालना है। तो आपके पास एक्स है, आप चाहो तो यहाँ पे पुट कर सकते हो एक्स की वैल्यू, या फिर आप देखोगे वाई हमने ऑलरेडी यहाँ निकाला हुआ है 60 अपॉन √3 है, तो हम चाहे तो इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो वाई इक्वल्स टू हमारे पास है 60 अपॉन √3, इसको रैशनलाइज करेंगे √3 × √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नाउ 60 × √3 60 √3 अपॉन में √3 × √3 = 3, कैंसिल हो जाएगा 20 आ गया, सो ये आ गया 20 √3, तो y आ गया 20 √3। सो देयरफॉर वी कैन से कि यहाँ पे जो हमें दो चीजें निकालनी थी, फाइंड दी विथ ऑफ रिवर, सो रिवर की विथ है 20 √3 एंड ऑल्सो वी हैड टू फाइंड दी हाइट ऑफ दी अदर पोल, सो हाइट ऑफ अदर पोल इज 40 मीटर्स। ओके सो दिस वाज आवर 26th क्वेश्चन ऑफ सेट 1, 27th क्वेश्चन ऑफ सेट 2 एंड 28th क्वेश्चन ऑफ सेट नंबर 3। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।